नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर ए के गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, राजकीय बांग्ला महाविद्यालय डीडवाना। प्रिय छात्रों, आज का विषय सॉइल पॉल्यूशन से संबंधित है। इसको हिंदी में मृदा प्रदूषण कहते हैं। इसमें मृदा प्रदूषण कैसे होता है, उनका क्या कारण है, इत्यादि बातें हम डिस्कस करेंगे। यह विषय महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित है, जो कि बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी के सेकंड पेपर में इंक्लूड है। मृदा प्रदूषण का कारण क्या हो सकता है? मृदा प्रदूषण का कारण घरेलू औद्योगिक व कृषि कार्य के लिए उपयोग में आने वाले विभिन्न रसायनों का मृदा में मिलने से है। क्या क्या हो सकते हैं? पहला पॉइंट, घरेलू व शहरी व्यर्थ, डोमेस्टिक एंड अर्बन वेस्ट जो होते हैं वो इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। सॉलिड वेस्ट होते हैं ये, घरों से रोजाना विविध प्रकार के और विविध प्रकृति का कचरा निकल जाता है, जो सरल या ठोस रूप में, जो कि लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, तरल रूप में भी हो सकता है और ठोस रूप में भी हो सकता है, अर्बन वेस्ट कहलाता है, शहरी वेस्ट या व्यर्थ कहलाता है। इसमें कई सामग्रियां होती हैं, जैसे कार्बन पेपर, कार्बन लेस कॉपी पेपर टाइप और DMP प्रिंटर के सूखे रिबन, छपा कागज़ हो सकता है जिसमें PCB रसायन होते हैं, ड्राई सेल होता है जिसके अंदर निकल कैडमियम सेल होते हैं, लिथियम सेल होते हैं, इसके अलावा पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक, थर्मोकोल, जैव अपघटनीय सामग्री जैसे फल एवं सब्जियों का कचरा, गुठलियाँ, लकड़ी इत्यादि, धातुएं हो सकती हैं जिसमें, इसके अलावा कांच, इलेक्ट्रॉनिक खराब उपकरण, चमड़ा आदि हो सकता है, घर निर्माण की सामग्री होती है, चीनी मिट्टी एवं सिरेमिक के बर्तन हो सकते हैं, ड्राई क्लीन से काम आने वाले रसायन होते हैं। औद्योगिक वेस्ट के अंदर छोटे एवं बड़े उद्योगों से कई प्रकार के हानिकारक एवं अहानिकारक प्रदूषण पदार्थ उत्पन्न होते हैं और ये मृदा को प्रदूषित करते हैं, जैसे चमड़ा कारखानों से निकला वेस्ट, इसी तरह से डेयरी से निकले वेस्ट में कार्बनिक पदार्थ होते हैं, दुर्घटनाओं के दौरान लीकेज औद्योगिक रसायनों से जो रसायन बाहर लीक होता है वो, इसके अलावा कारखानों से निकला हुआ रसायन, बैटरी कारखानों से निकले एसिड एवं लेड होता है, पत्थरों के संसाधनों के खनन से उत्पन्न स्लरी एवं धूल से सॉइल पोल्यूशन होता है, तापी विद्युत संयंत्र में कोयला जलने से उत्पन्न काली धूल होती है, कार्बन होता है, खनिज शोधन से निकला हुआ धुआं जिसकी धूल में जिंक हो सकता है, कैडमियम, लेड या मरकरी होता है। ये जिंक, कैडमियम और लेड ये हैवी मेटल्स होती हैं। जिंक, कैडमियम, लेड और मरकरी ये सारी हैवी मेटल्स हैं जिनका नर्वस सिस्टम और किडनी तथा लिवर के ऊपर बहुत ही घातक प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से जैव चिकित्सकीय व्यर्थ भी होते हैं, बायो मेडिकल वेस्ट जिनको कहते हैं,
जैव चिकित्सकीय स्रोत जैसे हॉस्पिटल्स, जांच केंद्रों आदि से कई प्रकार की सामग्री मृदा को प्रदूषित करती है, जैसे रोगी के अंग हो सकते हैं, खून व अन्य पदार्थ होते हैं, इसमें सिरिंज भी, कॉटन इत्यादि संक्रमित सामग्री होती है, पैकिंग सामग्री होती है, दवाइयाँ व अन्य रसायन भी होते हैं। इसी प्रकार से परिवहन व तत्संबंधित व्यर्थ होते हैं। परिवहन से वायु प्रदूषण होता है, यह प्रदूषित वायु जलपात के साथ जमीन पर आकर मृदा प्रदूषित करती है। पेट्रोल पंपों पर भूमिगत टैंकरों में पेट्रोल भरा होता है और कई बार यह लीक होकर मृदा प्रदूषित करते हैं। पेट्रोल पंप में मिलाए जाने वाले एंटी नॉकिंग एजेंट जैसे पेट्रोल से टेट्राइथाइल लेड मिलाने से लेड का प्रदूषण होता है जो मृदा को संदूषित करता है। इसी तरह से रेडियोधर्मी प्रदूषण भी होता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। ये कारखानों, न्यूक्लियर पावर स्टेशनों, न्यूक्लियर औषधीय कारखानों से निकलने वाले रेडियो एक्टिव उत्पाद मृदा प्रदूषित करते हैं। कृषि का भी वेस्ट होता है, कृषि में एग्रीकल्चर के अंदर जो वेस्ट होता है उसमें केमिकल्स होते हैं। कृषि भूमि पर रासायनिक उर्वरक जिनको जिनको मैन्योर्स कहते हैं, खाद होती हैं ये, एवं कई नाशक रसायन पेस्टिसाइड्स वगैरह मृदा प्रदूषण का कारण होते हैं। मृदा प्रदूषण के प्रभाव क्या होते हैं इस बारे में अपन समझें। इस प्रदूषण को दो श्रेणियों में बांटते हैं। पहला है इकोसिस्टम पर प्रभाव और दूसरा है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव हो सकता है? मृदा की विशेषताओं व वातावरण से स्थानीय पादप जात नियत होता है, लेकिन वायु और मृदा प्रदूषण के कारण इसकी गुणवत्ता दुष्प्रभावित होती है। मृदा प्रदूषण से या सॉइल पोल्यूशन से जीवन जात व जीव स्पीसीज पर दुष्प्रभाव पड़ता है। बहुत कम मात्रा के प्रदूषक भी मृदा के सूक्ष्म जीवों के उपापचय में परिवर्तन लाते हैं, एवं ये कई अनेक सूक्ष्म उपयोगी जीवों को समाप्त कर देते हैं। कवकनाशी होते हैं, इसी तरह से फंगिसाइड्स जिनको कहते हैं। इन रसायनों से फंगस को हुई क्षति से इसका प्रभाव मृदा परितंत्र पर पड़ता है। कम मात्रा के प्रदूषक मृदा व वनस्पतियों के माध्यम से उच्चस्थ शिकारियों तक, मतलब एनर्जी लेवल में या फूड चेन में जो ऊपर के शीर्ष स्तर पर जो होते हैं जीव, उन पर ये पॉल्यूटेंट्स पहुंचते हैं फूड चेन के थ्रू और एनलार्ज होते हैं, आवर्धित हो जाते हैं और फूड चेन में, खाद्य श्रृंखला में इस रसायन का जैव आवर्धन होता है जिसको कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन, जिससे कई घातक परिणाम होते हैं। इसी तरह से स्लरी व डस्ट अपने रासायनिक प्रभावों से मृदा को अनुपयोगी बनाते हैं। अब इनका मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है ये समझिए। पहला पॉइंट,
मृदा प्रदूषण से खाद्य पदार्थों में प्रदूषक अवशोषित होकर मानव शरीर तक पहुंचकर हानि पहुंचाते हैं। प्रदूषक मृदा में मिलने के बाद वर्षा व नदी प्रवाह से जलाशयों तक पहुंचकर मानव तक पहुंच जाते हैं और मृदा प्रदूषक लिंचिंग द्वारा भूजल से मिल जाता है और जिसका उपयोग पीने व सिंचाई के लिए करने पर प्रदूषक मनुष्य व खान पान की सामग्री तक पहुंचते हैं। स्कूलों के बच्चे, खिलाड़ी, बागवान, मजदूर, फार्मर्स आदि मृदा के सीधे संपर्क में आते हैं और प्रदूषक का शिकार होते हैं। अब हम समझेंगे कि मृदा प्रदूषण से होने वाले मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेड जो होता है, शीशा, ये बच्चों में शारीरिक, तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क के विकास को एवं वयस्कों में किडनी को क्षति पहुंचाता है। लेड बहुत ही घातक हैवी मेटल होती है, ये नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालती है। इसी तरह से कई रसायन हैं, यकृत व वृक्कों को हानि पहुंचाते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड होती है, ये तंत्रिका पेशी अवरोधन करती है, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसी तरह से मृदा प्रदूषण के जो रसायन होते हैं, ये मनुष्य में सिरदर्द, मितली, थकान, चिड़चिड़ापन, आँखों में जलन एवं त्वचीय घाव उत्पन्न करते हैं। कई बार ये प्रदूषक मानव मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। तो इस तरह से ये सॉइल पोल्यूशन के ये कारण हैं जिनका दुष्प्रभाव हमने आपको समझाया। तो ये सॉइल पोल्यूशन का टॉपिक समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच।